सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। अब हम आपको बताते हैं आपातकाल के उस दौर की दास्तान जो आजाद हिंदुस्तान के काले अध्याय के तौर पर आज भी इतिहास में दर्ज है। जिस आपातकाल ने न्यू इंडिया की मजबूत बुनियाद रखी, न्यू इंडिया के करिश्माई नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी को नई राह दिखाई, उस आपातकाल की इनसाइड स्टोरी भी कब दिलचस्प नहीं है। सत्ता के खौफ और फिर सत्ता की मनमानी का वो अंधा युग क्यों आया, कैसे आया और फिर कैसे गया, ये सब कुछ अब हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए हम कल तक सब कुछ तय कर देंगे। आप क्या कहते हैं जी? आज रात तक ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट भी तैयार हो जाना चाहिए। प्रिय इंदिरा, कुछ ही देर पहले हमने बलुआ की यहाँ एक मीटिंग की। मैं आपसे तत्काल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहता था। यहाँ पर कुछ लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि देश की स्थिति कितनी गंभीर है। कल की बैठक में आप इस बात पर जोर दीजिए कि अध्यादेश शाम तक तैयार हो जाए। 8 जनवरी 1975 को जब इंदिरा गांधी एक राजकीय भोज में शामिल होकर वापस लौटे तो उन्हें बेहद गोपनीय संदेश मिला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने एक बेहद महत्वपूर्ण चिट्ठी भेजी थी। इतनी अहम कि इंदिरा गांधी के कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर किसी को भनक तक नहीं थी। ये राज उस वक्त भी नहीं खुला जब करीब 6 महीने बाद 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। द प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी, दिस इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 की तारीख शायद ही कोई भूल पाएगा। यही वो दिन था जब आजाद भारत पहली बार आपातकाल की बेड़ियों में जकड़ दिया गया था। लोकतंत्र के इस काले दिन को इतिहास के पन्नों से कभी मिटाया नहीं जा सकता। छब्बीस जून 1975 के सूरज निकलने से पहले सरकार विरोधी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनमें से सबसे बड़े नेता थे जेपी नारायण, जो सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। 26 जून की सुबह ऑल इंडिया रेडियो में अपने संबोधन में इंदिरा गांधी ने आपातकाल के लिए जयप्रकाश नारायण को जिम्मेदार ठहराया। एक जना इस हद तक गया कि अगर फौजी किसी हुक्म को गलत समझे तो उसको न माने। यह कार्यक्रम इस महीने के 29 तारीख से शुरू होने वाला था। हमें जरा भी संदेह नहीं कि ऐसा कार्यक्रम शांति और आर्थिक स्थिति को घोर खतरा पैदा करता। 25 जून को देश में आंतरिक इमरजेंसी क्यों लगी? क्या जेपी का आंदोलन देश के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया था? क्या देश की आंतरिक स्थिति और कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई थी कि इंदिरा गांधी के पास इमरजेंसी लगाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था? या इसकी वजह थी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जिसमें राय बरेली से इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दे दिया गया और उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी? 24 जून को भी इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। इमरजेंसी के दौरान इंडियन एक्सप्रेस की वरिष्ठ पत्रकार गोमी कपूर के मुताबिक इमरजेंसी लगाने का फैसला तात्कालिक था, क्योंकि इमरजेंसी लगाने की तैयारियां तो तब भी हो रही थी जब हाईकोर्ट से रायबरेली का फैसला नहीं आया था। वरिष्ठ पत्रकार गोमी कपूर के खिताब द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री के मुताबिक एक चिट्ठी की वजह से सामने आई है इमरजेंसी की एक नई कहानी। इज एन एक्सक्लूसिव पार्ट इन माई बुक दैट though the conventional view is that the emergency was imposed on June 26, 1975 because of the judgment against Mrs. Gandhi in the Allahabad High Court, there was more to the story than that. Mrs. Gandhi's authoritarian tendencies had surfaced much earlier, and the proof of that is a very revealing letter written by Siddharth Shankar Ray, who was then Chief Minister of West Bengal,
to Indira Gandhi on January 8, 1975. 40 सालों से भी ज्यादा पत्रकारिता में सक्रिय रह चुकी कूमी कपूर ने अपने खिताब में आपातकाल की ऐसी छोटी बड़ी घटनाओं को उजागर किया है जो अब तक कई लोगों को मालूम नहीं है। इस खिताब में सबसे खास है सिद्धार्थ शंकर रे की वो चिट्ठी जिसमें ये चौंकाने वाला खुलासा है कि देश में इमरजेंसी लगाने की तैयारी महीनों पहले ही शुरू हो चुकी थी। कूमी कपूर के मुताबिक 8 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर रे ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक गोपनीय नोट भेजा था। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के तात्कालिक अध्यक्ष डीके बरुआ से देश के कानून मंत्री गोखले और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता रजनी पटेल के साथ मीटिंग की। देखिए हमारे पास वक्त बहुत कम है इसलिए हम कल तक सब कुछ तय कर लेंगे। आप क्या कहते हैं मिस्टर? जी आज रात तक ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट भी तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है। हम कल फिर एक बार कल 9 बजे मिलते हैं और बाकी की बातें तय करें। इस खास बैठक में जो भी तय हुआ सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा गांधी को तुरंत बताना चाहते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को एक अर्जेंट नोट भेजा। प्रिय इंदिरा, कुछ ही देर पहले हमने बरुआ की यहां एक मीटिंग की है। मैं आपसे तत्काल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहता था लेकिन आप किसी राजकीय भोज में हैं, इसलिए मैं आपको जल्दबाजी में यह नोट भेज रहा हूं। अब तक कुछ नहीं हुआ है, कोई सूची तैयार नहीं की गई है। यहां पर कुछ लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि देश की स्थिति कितनी गंभीर है, लेकिन बरुआ और रजनी से मदद मिल रही है और गोखले आज रात तक अध्यादेश का मसौदा तैयार कर लेंगे। हमने यह तय कर लिया है कि क्या दिशा निर्देश होने चाहिए। हम कल सुबह 9 बजे गोखले के यहां दोबारा मीटिंग कर रहे हैं ताकि हम कुछ तैयारी के साथ आपके पास आ सके। मैंने ओम को भी ये सब करने के लिए कहा है और मैं चाहूंगा कि आप भी ब्रह्मानंद रेड्डी को तुरंत ये करने का निर्देश दें। कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्रियों को एक गुप्त टेली संदेश भेजा जाना चाहिए जिसमें उन्हें राज्य के आनंद मार्ग और RSS से जुड़े प्रमुख लोगों की सूची तैयार करने का निर्देश हो। उन्हें अध्यादेश के बारे में बताने की जरूरत नहीं है ये, लेकिन ये सूची उनके पास तैयार होनी चाहिए। योजना यह है कि अध्यादेश के तैयार होते ही हम तुरंत अगला कदम उठा सकें और ये अगले 24 घंटे के अंदर तैयार हो जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अध्यादेश पर हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा कल शाम या रात या परसों सुबह होते ही एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। ये उस स्थिति में होगा जब अध्यादेश को अंतिम रूप देने में 24 घंटे से ज्यादा लगे। कल की बैठक में आप इस बात पर जोर दीजिए कि अध्यादेश शाम तक तैयार हो जाए और आप कृपया करके आज रात ही ब्रह्मानंद रेड्डी को इसके बारे में बता दीजिए। सिद्धार्थ, अगर मुझसे बात करना चाहती हैं तो मैं घर पर ही रहूंगा। He had outlined all the steps necessary to impose an internal emergency in the country and arrest her political opponents. Later on, when the emergency was actually imposed, the very same steps were followed, including not consulting the cabinet before she got the president to sign the ordinance. सिद्धार्थ शंकर रे के गोपनीय नोट से जाहिर था कि 1975 के जनवरी महीने में ही आपातकाल का मसौदा तैयार कर लिया गया था। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को आनंद मार्ग और RSS से जुड़े लोगों की सूची तैयार करने का आदेश दे दिया गया था। तैयारी ऐसी थी कि किसी भी वक्त आदेश मिलते ही देश में इमरजेंसी लगाई जा सके। इमरजेंसी को लेकर अचानक इंदिरा गांधी के करीबी इतने सक्रिय क्यों हो गए थे? इंदिरा गांधी पर तो इतना दबाव भी नहीं था।
विरोधियों की हर चुनौती का सख्ती से जवाब दे रही थी। जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में हुआ रेलवे कर्मचारियों का हड़ताल भी इंदिरा गांधी ने तोड़ डाला। जयप्रकाश नारायण ने जब पटना के गांधी मैदान से नारा दिया तो दिल्ली में इंदिरा गांधी ने रामलीला मैदान से उन्हें ललकारा। गुजरात में छात्र आंदोलन पहले ही शांत हो चुका था तो साल 1975 के पहले महीने में ही ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बारे में सोचने लगी थी। The only reason for this sudden decision to have an emergency was the death of her close associate and minister Lalit Narayan Mishra in Samastipur in a bomb blast. 3 जनवरी को इंदिरा गांधी के रेल मंत्री रहे ललित नारायण मिश्र का समस्तीपुर बम धमाके में हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की वजह क्या थी, इसके पीछे किसका हाथ था, यह अब तक एक रहस्य है। इंदिरा गांधी के करीबियों के मुताबिक इस घटना ने इंदिरा गांधी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। वरिष्ठ पत्रकार कोमी कपूर की किताब इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री के मुताबिक ललित नारायण मिश्रा की हत्या के बाद इंदिरा गांधी RSS और आनंद मार्ग पर प्रतिबंध लगाना चाहती थी। The reason was that the RSS was considered close to the BJP and the Anand Marg she dragged in also because she wanted to say that these were all forces out to destabilize the government and herself as Prime Minister. Lalit Narayan Mishra ki hatya ke baad hi Indira Gandhi ki kareebi Siddharth Shankar Ray, Congress ke tatkalin adhyaksh D.K. Barua, कानून मंत्री गोखले और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता रजनी पटेल ने इमरजेंसी को लेकर एक बैठक की। बैठक में यह तय किया गया था कि जल्द से जल्द आपातकाल के अध्यादेश का मसौदा तैयार कर लिया जाना चाहिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को आनंद मार्ग और RSS के नेताओं की सूची तैयार करने का आदेश भी दिया जा चुका था। सिद्धार्थ शंकर रे ने गोपनीय नोट भेजकर इंदिरा गांधी को इसकी खबर दी। इंतजार था तो सिर्फ इंदिरा गांधी के आदेश मिलने का, लेकिन इंदिरा गांधी ये फैसला नहीं कर पाई। फर्स्ट शी वेंट टू स्पीक टू हर ओन सेक्रेटरी इन द PMO PN Dhar। ही एडवाइज्ड हर स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट इट। देन व्हेन Dhar वाज नॉट देयर शी अप्रोच्ड द होम सेक्रेटरी। द रिएक्शन वाज इक्वली नेगेटिव। जनवरी 1975 में इंदिरा गांधी ने भले ही कोई फैसला नहीं किया, लेकिन देश में उस समय जो माहौल था उसे लेकर इंदिरा गांधी असुरक्षित महसूस करने लगी थी। देश में एक ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा था जिसमें से लगता था कि सरकार जो है किसी प्रकार से भी गिर जाएगी और इसका कंट्रोल देश के ऊपर चला जाए और डेमोक्रेसी को धक्का लगे। सत्ता का खौफ बढ़ने लगा था, लेकिन सबक की जगह धीरे धीरे ये सत्ता की मनमानी की ओर बढ़ने लगा। सब्सक्राइब करें ABP गंगा।